हेलो गाइस, शाम का टाइम है और मेरे बेटे को घूमने का मन हो रहा था। बाहर का जो आदत है इसको, तो मैं इसको छत पे लेके आई हूँ। और बारिश का मौसम है तो पूरे छत की हालत बहुत बेकार है। आप लोग देख सकते कैसे कजली बन गया है, कदली। ये आप धूप आएगा तभी सूखेगा। और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं के साथ ही मेरे बच्चा बीमार हो गया, बहुत सुस्ती में है, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं। सॉरी गाइज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी अभी स्वस्थ नहीं हूँ, सर्दी जुकाम हो रखा है और मेरी बेटी को भी फीवर हो गया है। तो ससुराल आते ही तबीयत ख़राब, और मुझे अचानक आनी पड़ी थी ससुराल, क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब थी, नहीं तो मैं अभी थोड़े दिन और रहती हूँ वहाँ पे। कहते हैं ना, कभी कभी जो आपके मन में नहीं होता वही करना पड़ता है, तो यही हुआ। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी बहन आई थी अपने ससुराल से, तो उसके साथ फ़ोटो शेयर किए थे अपनी बेटी के साथ। मेरा थोड़ा गला बैठा के हुआ है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा मेरी वॉइस को। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे गांव में ही काली मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। वहाँ 5 गांव के लोग आते हैं वो मंदिर दर्शन करने के लिए। काली पूजा बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से मनाया जाता है। बट मैं अभी काली पूजा का टाइम तो नहीं, वो तो नवम्बर में आता है। तब तक मैंने उसको, हम लोग वहाँ पे गए थे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे मेरी जो चाची है उन्होंने कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन करवाया था। तो वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उस दिन का मेरा लुक देखिएगा, आपको कहो अरे वाह क्या सुंदर लुक है, बहुत प्रिटी लग रही थी मैं। हाँ तो ओके, अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या करूँ, करना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है। अभी मेरे को मेरे हस्बैंड जी से बात नहीं है 2 दिन से। सब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं दही आया, दही पर चिंता नहीं। हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा